बात करा दें अगर करा दें। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैं इस वक्त प्रेस टॉक कर रही हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका अंकल। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू वेरी मच अंकल। आपको भी मुबारक हो जी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़ जी। और मैं मियाँ साहब को अभी ये कह रही थी कि भले आप माइश आई 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा, अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में भी आपको साबित कदमी दी, और आज अल्लाह ताला ने जब आपको सुरखरू करके निकाला है तो पहले से ज़्यादा इज्जत देके निकाला। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जितनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों, कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुज़रा, और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज़ शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। मुझे ये भी याद है कि जब पैनामा के लिए ये पैनामा का शोर उठा तो नवाज़ शरीफ साहब को, उनका जाहिर है जब आपने कुछ नहीं किया होता तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं इसको फ़ेस करूँगा, मैं इसका जवाब दूँगा, तो नवाज़ शरीफ साहब ने यही किया। उनके जो रुफका हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले, उन्होंने उनको ये कहा कि ये कोई लीगल मुकदमा नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, आपको ये सज़ा के लिए पूरा ट्रैप सेट किया जा रहा है, तो आप इस मुकदमे में आप इस मुकदमे में ना पेश हों, आप अपना जो भी आपको हासिल है, जो भी इम्यूनिटी आपको मिलती है वो आप ले लें और आप ये ना करें, क्योंकि इनका ये मकसद आपको सज़ा देना है। ये आपकी जो तावील है, जो आपकी लीगल आपके पॉइंट्स हैं, जो हकायक हैं, वो ये नहीं सुनेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं इस एहतसाब को फ़ेस करूंगा, मेरी बेटी भी फ़ेस करेगी, मेरी ख़ानदान भी फ़ेस करेगा, मेरे बच्चे भी फ़ेस करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे। तो आज वो अल्लाह ताला ने दिन हमें दिखा दिया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।